हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग जो कि जेबी का हमारा सेकंड पेपर है, उसका यूनिट 6 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका जो नया सिलेबस ऐड है 2023 में, तो ये नई बुक वाला सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हैंडलिंग क्लियरिंग कलेक्शन कैश। ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो मेन मेन टॉपिक आपका होगा वो होगा CTS, चेक ट्रांकेशन सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे कि RBI की क्या गाइडलाइंस है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बैंक कलेक्ट करता है, तो किस तरह की गाइडलाइंस जो है तो उसका लेकर डिटेल में डिस्कशन होगा, और कैश एंड इट्स कस्टडी को लेके, और सिक्योरिटी अरेंजमेंट एट ब्रांच एंड ATM को लेके। तो ये चार मेन बड़े बड़े टॉपिक हैं, और ये जो टॉपिक है टोटल आपके 16 पेजेस में कवर है। और ये टॉपिक जो है आपको कहाँ से इन्होंने बुक में दिया हुआ है, ये आपका जो RBI का सर्कुलर है वहीं से ये सब दिए हुए। आप जैसा कि जानते हैं कि RBI के सर्कुलर कितने वाइड होते हैं, मतलब उसमें सारा ही डिटेल होना चाहिए, तो इसीलिए RBI के सर्कुलर को इन्होंने कॉपी पेस्ट करके आपके सिलेबस में रखा है। तो बहुत ज़्यादा ये डिटेल में एग्जाम में जिस हिसाब से पूछा जाता है उसी हिसाब से रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। इंट्रोडक्शन पे आते पहले, सम इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन एट द बैंक। तो इंट्रोडक्शन में बस यही बोला हुआ है कि जो बैंक है वो क्या करता है, कैश हैंडल करता है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करता है अपने कस्टमर के बिहाफ पर, रिमिटेंस, ये सारी सुविधाएं जो है बैंक कस्टमर को देता है। इसके साथ साथ जो है ATM वाली सुविधाएं भी बैंक कस्टमर को अवेलेबल कराता है। और पहले क्या था कि मतलब इन सब में कुछ लिमिट रहता है, जैसे कि थोड़ा सा यहाँ सा देख ही लेते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या लिखा है। सम इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ ए बैंक ब्रांच, तो मेन मेन जो बैंक एक्टिविटी करता था उसमें पर्टेन्स टू कैश, कैश कलेक्शन ऑफ लोकल एंड आउट स्टेशन इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आपका जैसे आउट स्टेशन आपके चेक्स होते हैं, DD, उनकी बात की जा रही है। एंड रिमिटेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पर बैंक रिमिटेंस जो है पैसा भेजना, जैसे मान लीजिए आउटवर्ड रिमिटेंस हो गया, इंडिया से बाहर रिमिटेंस करना, तो ये सारे सुविधा बैंक देता है। कैश ट्रांजेक्शंस ऑक्यूपाई इंपॉर्टेंट प्लेस एंड एवरी ब्रांच हैज़ टू डील विद द कस्टडी एज वेल एज इंटर ऑफिस मूवमेंट ऑफ कैश। तो कैश ट्रांजेक्शंस बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि जनरली लोग डिपॉजिट इसी पर्पज़ के लिए अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो कैश ट्रांजेक्शन का बहुत बड़ा रोल रहता है। इन्वॉल्विंग द एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी, तो प्रॉपर सिक्योरिटी, मिस अप्रोप्रिएशंस या फ्रॉड, इन सबसे जो है बैंकों को ध्यान रखना होता है। सम बैंक हैव इंट्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट दैट डोंट परमिट द कस्टमर, तो कुछ ऐसे भी बैंकों ने ऐसे भी प्रोडक्ट दिए हैं जो कि कस्टमर को डिपॉजिट जो है काउंटर पे आप नहीं कर सकते, सिर्फ आप ATM पे ही जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। सच रिस्ट्रिक्शंस अमाउंट टू कर्टेल, तो इससे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा काम कम हो रहा है, क्योंकि जैसे कुछ आजकल ATM में आपकी मशीन है ना, उसमें आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं और पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं, बट उसमें लिमिट रहता है। ठीक है, दिस ऑल्सो व्यूड एज अनफेयर प्रैक्टिस, मतलब उसमें क्या होता है कि बैंक मतलब ATM के थ्रू ही डिपॉजिट करने को बोलता है, और जनरली बैंक काउंटर पे फिर एक्सेप्ट नहीं करता उस कस्टमर के डिपॉजिट को। तो बोला है कि इसको RBI एक अनफेयर प्रैक्टिसेस की तरह देखता है। इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी कस्टमर देता है, जैसे चेक्स हो गया, ड्राफ्ट हो गया, पे ऑर्डर हो गया, ट्रेड बिल्स हो गया, डिविडेंड या इंटरेस्ट वारंट, NSE या पोस्टल ऑर्डर, टर्म डिपॉजिट रिसीव, टैक्स रिफंड ऑर्डर्स फॉर कलेक्शन ऑफ देयर प्रोसीड। तो ये चीज़ें भी जो है कस्टमर जो है बैंकों में करता है। और पहले क्या होता था, पास में पहले जो क्लियरिंग हाउस होते थे वो लोकल लेवल पे होते थे, और वो RBI के द्वारा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई और बैंक जिसको RBI ने नॉमिनेट किया, तो वो एज ए लोकल लेवल पे काम करते थे। द अकाउंट ऑफ ऑल मेंबर्स बैंक वर मेंटेन एट द नोडल ब्रांच ऑफ बैंक, तो जो क्लियरिंग हाउस का बैंक जो कि जिसको नोडल बैंक के तौर पर RBI ने अपॉइंट किया, तो वहाँ पर सभी बैंकों के अकाउंट होते थे, तो उसी के थ्रू जो है फिजिकल चेक मूवमेंट से जो है पेमेंट होता था। अभी सब कुछ स्पीड हो गया, स्पीड क्लियरिंग हो गया, तो इसलिए जो CBS है इसको इंट्रोड्यूस किया, ताकि ये आपका जो आउट स्टेशन चेक्स है या ये सब चीजें, मतलब फिजिकली चेक्स मूव ना करें एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो उसके लिए आपका CBS इस समय जो है स्पीड क्लियरिंग उस सबको जो है इंप्रूव किया गया। यहाँ से देखते हैं मेन मेन आपका यहाँ से आएगा CTS, जो मेन टॉपिक स्टार्ट यहीं से है, CTS, चेक ट्रांकेशन सिस्टम। चेक ट्रांकेशन सिस्टम का मतलब क्या है? CTS सिर्फ इतना सा है कि पहले क्या होता था, चेक्स की फिजिकल इमेज यहाँ से वहां मूव करती थी। तीन तरीके का बैंक होता है, एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉइंग, या आप इसको कोई प्रेजेंटर बैंक भी बोल सकते हैं। तो मतलब जिस बैंक का कस्टमर है वो मान लीजिए कस्टमर एक चेक लेके आया, मान लीजिए SBI में उसका अकाउंट है और वो चेक लेके आया है ICC का, क्लियरिंग के लिए उसको भेजना है। ठीक है, तो SBI का बैंक क्या करता था, पहले ICC की जो ब्रांच होती थी किसी लोकल एरिया में, सभी बैंकों को फिजिकली जो है बैंक का स्टाफ या कोई पर्सन जाके फिजिकली चेक्स की अदला बंदी करता था। ठीक है, ये पुरानी बात है, जब CTS नहीं था, 2010 से पहले की बात है, तब फिजिकल मूवमेंट होता था तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था फिजिकली चेक्स को यहाँ से वहाँ लेके जाना और फिर उनकी अदला बदली करना, और फिर जो है जिस जिस बैंक का चेक्स आया और वहाँ पे जो है अकाउंट में बैलेंस चेक करके उसको पेमेंट करना, इस तरह से जो है होता था।
तो पहले चेक्स को यहाँ से वहाँ फिजिकली मूव कराया जाता था और फिर पेमेंट आती थी, लेकिन जब से आपका CTS आया, चेक ट्रांजेक्शन, तो इसमें आपको चेक को फिजिकली मूव करने का जरूरत नहीं है, एक स्कैनर होना चाहिए बैंक में। आप जानते हैं बैंकों में आप स्कैन करके जो है चेक्स को भेजते हैं, एक साइट आता है क्लियरिंग का साइट रहता है, क्लियरिंग हाउस का साइट, ठीक है, तो वहाँ पे आप इमेजेस अपलोड करते हैं, क्लियरिंग हाउस चेक करके जो बैंक है बैंक को इमेज जो है भेज देता है, और इमेजेस के बेसिस पे जो है पेमेंट हो जाती है। यानी आप फिजिकल चेक को यहाँ से वहाँ लेके जाने का जरूरत नहीं है। पहले क्या था, सिर्फ फिजिकल चेक्स मिलेगा उस बैंक को जिस बैंक में, जैसे मान लीजिए ICICI का अकाउंट है, तो पहले ICICI बोलता था कि मुझे फिजिकल चेक दो तभी मैं पेमेंट करूंगा, लेकिन जब से CTS आया तब से क्या कर दिया है कि फिजिकल चेक का जरूरत नहीं, इमेज के बेसिस पे भी जो है चेक का पेमेंट किया जा सकता है, वही हमारा CTS है। तो इसको लाने का पर्पस क्या था, तो सबसे बड़ा पर्पस ये था कि इससे टाइम भी बचत होती, कस्टमर के लिए भी फायदा है, जल्दी हो जाएगा, और बैंक का भी फायदा है, क्योंकि पहले एक स्टाफ को जाना होता था, पहले रियल में एक स्टाफ जाता था फिजिकली वहाँ पे चेक्स को लेके जाता था, और फिर वहाँ पे वो चेक्स की अदला बदली, अदला बदली इन द सेंस जैसे ICICI का चेक है तो ये बैंक उसको बोलेगा कि आपके बैंक का चेक यहाँ पे आया हुआ है, फिर ICICI का भी कस्टमर ने शायद SBI का दिया तो SBI को वो चेक देता, तो इस तरह से फिजिकल अदला बदली होती थी। लेकिन जब से ये CTS इमेज आया तो अब ये सब जरूरत नहीं है, शाम को जो क्लर्कल है वो अपना CTS का उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड रहता है उसको करके फटाफट से जो है चेक्स को क्लियरिंग के थ्रू भेज सकता है, तो अब काम बहुत ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है, वही सब इसमें बोला गया। RBI इंट्रोड्यूस चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम फॉर इंटर बैंक क्लियरेंस, इंटर बैंक मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक के जो चेक होते हैं वहीं पर आपका क्लियरिंग का रोल रहता है ना, तो उसके लिए जो है CTS यानी चेक ट्रांजेक्शन को इन्वॉल्व शुरू किया विदाउट देयर फिजिकल मूवमेंट, अब चेक्स को यहाँ से वहाँ ले जाने का जरूरत नहीं है। द चेक्स आर पेड बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक इमेज, मतलब स्कैनिंग इमेज ही काफ़ी है, चेक्स की स्कैनिंग इमेज को क्लियरिंग हाउस पे भेजते हैं और वो जो है उस बैंक को, पेइंग बैंक को जो कि पेमेंट करेगा वहाँ भेज देगा विद सुटेबल अमेंडमेंट। तो इस काम को करने के लिए कुछ एक्ट्स में अमेंड किया, एक तो आपका नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इसमें अमेंड किया, फिर IT, क्योंकि जहाँ पे चेक्स है टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी एक्ट चेंज करना होगा, तो IT एक्ट 2000 को भी चेंज किया, फिर बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 इसको भी चेंज किया, और तब जाके जो है चेक्स की जो है इमेजेस के थ्रू जो है पेमेंट की जाने लगी। CTS वाज इंट्रोड्यूस कब से ये शुरुआत था, 1 फरवरी 2008 एंड इज नाउ फुली ऑपरेशन, तो अब हर जगह जो है CTS ही चलता है, इसकी शुरुआत फरवरी 2008 से ही हो गई थी, और MICR बेस्ड चेक प्रोसेसिंग हैव बीन डिसेंड, तो अब CTS हो गया, अभी MICR वाली जो चेक की प्रोसेसिंग है वो डिसकंटिन्यू हो गई है। CTS ये क्या कंसेप्ट है, ट्रांकेशन, ट्रांकेशन ये जो वर्ड है चेक ट्रांकेशन सिस्टम, ये जो इसका T है ट्रांकेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक, मतलब आप फिजिकल चेक यहाँ से वहाँ जाने का जरूरत नहीं है बाय द प्रेजेंटिंग बैंक। प्रेजेंटिंग बैंक कौन है, जैसे मैंने बताया कि SBI के कस्टमर के पास आया जो है SBI बैंकर्स ICICI का चेक लेके आया, तो अभी SBI तो ICICI के चेक के पेमेंट नहीं कर सकता तो उसको क्लियरिंग में भेजना पड़ेगा, तो जो SBI है उसको हम बोलेंगे प्रेजेंटिंग बैंक, ठीक है, जो चेक को प्रेजेंट करेगा अपने कस्टमर के बिहाफ पे। प्रेजेंटिंग बैंक इन रूट टू द पेइंग बैंक, पेइंग बैंक इसको बोलेंगे, ICICI का चेक है तो ICICI की जो ब्रांच होगी उसको हम बोलेंगे पेइंग बैंक, तो ICICI का अगर चेक कस्टमर लेकर आया SBI में तो SBI उसको प्रेजेंट करेगा, तो SBI को हम बोलेंगे प्रेजेंटिंग बैंक, और चेक किसका, ICICI, ICICI को भेजेगा, बैंक डायरेक्ट नहीं भेजेगा, वो स्कैन करके क्लियरिंग जो हाउस है उसको भेजेगा स्कैनिंग इमेज, और फिर क्लियरिंग हाउस ICICI को भेजेगी, ठीक है, तो जो ICICI होगा वो कौन होगा, वो होगा पेइंग बैंक, ठीक है, तो प्रेजेंटिंग जो चेक को प्रेजेंट कर रहा है पेइंग जिसका नाम पे चेक है, इंस्टेड एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक इज ट्रांसमिटेड टू द पेइंग ब्रांच, तो पेइंग ब्रांच को जो है सिर्फ स्कैन इमेज जा रही है थ्रू द क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस के पास जाएगा और क्लियरिंग हाउस उसको भेजेगा, जो हमने बोला ना क्लियरिंग हाउस उसको भेजेगा, तो सेम वही यहाँ पे लिखा है, अलॉन्ग विथ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लाइक डेटा ऑन MICR बैंक, डेट ऑफ प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग बैंक, ये सब डिटेल्स आपको वहाँ डालनी होती है और उसके बाद वहाँ चला जाता है। NIE एक्ट, नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइन, तो उसमें जो है ट्रांकेशन चेक को डिफाइन किया गया, इसमें बोला अ चेक विच इज ट्रांकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल ईदर बाय क्लियरिंग हाउस और बाय द बैंक वेदर पेइंग और रिसीविंग पेमेंट इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट, तो इस एक्ट में बोला गया है कि जैसे ही आपको इमेज मिलेगा ट्रांसमिशन का तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी, सब्सटीट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक्स एंड डिटेल्स, सब्सटीट्यूट का मतलब पहले फिजिकल मूवमेंट होता था तभी पेमेंट होती थी, लेकिन अभी उसका सब्स्टिट्यूट आ गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक इमेज के बेसिस पे जो है पेमेंट कर सकते हैं, तो ये आपका मेन मेन CTS का हो गया। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ पेपर चेक, तो जो पेपर का चेक है उसको बस एक स्कैनर रहता है आपका, अगर आप उस सीट पे बैठे हो, अगर आपका क्लर्कल का एक सीट रहता है जहाँ पे वो चेक्स को जो है स्कैन करता है, अगर आप उस सीट पे हो तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से उसमें स्कैनिंग की जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है चेक्स को जो पेपर वाला चेक है मतलब नॉर्मल जो फिजिकल चेक है उसको स्कैन किया जाता है। ओनली द बैंक इन्वॉल्व एंड क्लियरिंग हाउस आर ट्रांकेटेड, तो सिर्फ जो बैंक है जैसे SBI जो प्रेजेंटिंग बैंक है या क्लियरिंग हाउस, सिर्फ वही चेक को ट्रांकेट यानी कि स्कैन कर सकते हैं, द ड्रॉअर या होल्डर ऑफ चेक कैन नॉट ट्रांकेट, ऐसा नहीं कि ड्रॉअर बोलेगा कि मैं फिजिकल चेक नहीं देता, मेरा
मैंने एक चेक को स्कैन किया हुआ है, ये स्कैनिंग इमेज चेक सकती है वो नहीं है, उस केस में फ्रॉड होने का बहुत चांस है, तो फिजिकल चेक कस्टमर को देना है। स्कैनिंग का राइट सिर्फ बैंक के पास और क्लियरिंग हाउस के पास है, ड्रॉअर के पास ऐसा कोई स्कैनिंग का राइट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक सब्स्टिट्यूट द फिजिकल, तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक है वो आपका फिजिकल चेक का सब्स्टिट्यूट है, मतलब आप अलग से फिजिकल चेक के लिए नहीं डिमांड कर सकता पेइंग बैंक। ट्रांकेशन इज डन ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल टू रिड्यूस द टाइम टेकन, तो ट्रांकेशन यानी जो आप उसको स्कैन कर रहे हैं ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो क्लियरिंग साइकिल का जो टाइम है उसको कम किया जा सके, क्योंकि पहले फिजिकल भेजना पड़ता था चेक को तो उसमें टाइम लग जाता था पहुँचते पहुँचते, बट अब क्या सीधे आप स्कैनिंग के थ्रू भी भेज सकते हैं, तो इसलिए टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। द पेपर चेक आफ्टर ट्रांकेशन, आपने स्कैन किया तो आपके पास फिजिकल जो चेक रहा होगा इसके इन द कस्टडी ऑफ बैंक या क्लियरिंग हाउस, तो जो प्रेजेंटिंग बैंक है या क्लियरिंग हाउस वो अपनी कस्टडी में जो है रख सकता है। द एडिशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ट्रांकेश ट्रांकेटिंग चेक या क्लियरिंग हाउस टू द इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस ऑप्शनल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो बैंक उसको जो है स्कैन कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो भेज रहा है उसको डिजिटल साइन करना है। डिजिटल सिग्नेचर आप जानते हैं ना कि किसी भी ऑनलाइन आपका साइन रहता है डिजिटल सिग्नेचर जो किया जाता है, तो डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे CTS के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। नेक्स्ट है CTS बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्या है? एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि फिजिकल मूवमेंट नहीं करना बैंकों की ब्रांचेस से, और कई बार क्या होता था कि फिजिकल मूवमेंट में वो खोने का भी उसका खतरा था, तो अब वो सब नहीं है। इससे सभी को फायदा है, मतलब पूरे सिस्टम को ही फायदा है, जैसे कि बैंक को, कस्टमर को, तो सभी को इसका फायदा है। और जो है ये भी बैंकों के लिए कॉस्ट सेविंग के तौर पे काम करता है, क्योंकि अभी बैंक के स्टाफ को भेजना उसमें अननेसेसरी, मान लीजिए अगर वो गाड़ी से जा रहा है, ऑफिस की कार से जा रहा है, तो अननेसेसरी पेट्रोल फिजूल खर्ची भी थी, लेकिन अब इसमें ऐसा भी नहीं है। कस्टमर का क्या फ़ायदा है? कस्टमर का सबसे बड़ा फायदा है कि जिस काम में उसको 4-5 दिन लगता था उसका काम वो 1-2 दिन में हो जाता है, तो जो क्लियरिंग साइकिल है वो रिड्यूस है, तो लोअर द रिस्क ऑफ लॉस, और वो जो चेक्स है वो रास्ते में कहीं खो जाए तो उसका खतरा भी नहीं है, और टाइम भी काफ़ी सेव हो गया। ठीक है, तो ये सब इसके फायदे हैं। अप्रोच टू CTS, तो CTS किस तरह से काम करता है? इट इज़ ऑपरेटेड ऑन ग्रिड बेसिस, ग्रिड मतलब तीन, हमारी कंट्री को तीन ग्रिड में डिवाइड किया गया, पहला है नॉर्थन, दूसरा वेस्टर्न और तीसरा साउथर्न, और उनका अलग अलग क्लियरिंग हाउस है, तो अपने अपने एरिया के हिसाब से जो है क्लियरिंग हाउस पे चेक्स जाते हैं। जैसे हमने बोला था ना कि प्रेजेंटिंग बैंक किसको भेजेगा, क्लियरिंग हाउस को भेजेगा, और क्लियरिंग हाउस पेइंग बैंक को भेजेगा चेक्स। ठीक है, जैसे हमने बोला था प्रेजेंटिंग बैंक SBI का कस्टमर और ICICI का चेक लेके SBI की ब्रांच में दे गया, तो SBI का कस्टमर और चेक किसका, ICICI का, तो ICICI का चेक है तो पेइंग बैंक हो गया ICICI, तो क्लियरिंग हाउस के थ्रू जा रहा है। तो ऑल ओवर इंडिया में जैसे मान लीजिए कस्टमर दिल्ली में है या चेन्नई में या मुंबई में, तो कौन से वाले क्लियरिंग हाउस के पास जाएगा? तो जैसे काम का बंटवारा होता है ना, तो ये काम करना है तो तीन क्लियरिंग हाउस तीन ग्रिड के हिसाब से बनाएंगे ऑल ओवर कंट्री इंडिया में। नॉर्दर्न का जो एरिया है वहाँ पे कुछ ब्रांचेस होगी बैंकों की, तो वो नॉर्दर्न एरिया को कवर, मतलब अपने अपने एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले जाएगी, वेस्टर्न ग्रिड में कुछ आ जाएगा और साउथर्न में। और जो आपका ये नॉर्दर्न वाला है तो उसका दिल्ली में है ऑफिस, वेस्टर्न वाले का मुंबई में और साउथ वाले का चेन्नई में। ठीक है, ये और जो जो एरिया के हिसाब से सिटी और सेंटर जो जो इनके एरिया में पड़ता होगा, नॉर्दर्न में जैसे दिल्ली वाली के सभी ब्रांचेज होगी यूपी वो सब आ जाएगा, वेस्टर्न में उधर की हो जाएगी मुंबई इस तरफ की, और साउदर्न में चेन्नई, और जितनी भी साउथ वाली ब्रांचेज है वो चेन्नई वाले ग्रिड में साउथ वाले में आ जाएंगी। ठीक है, तो जिस जिस एरिया में जिस जिस सिटी और सेंटर के हिसाब से बैंकों की ब्रांचेस पड़ती है तो वो उसके क्लियरिंग हाउस के एरिया में आ जाएगी और वो उन्हीं को प्रेजेंट करेगी। तीन टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट इसमें हो सकते हैं, एक तो मेंबर बैंक ऑफ क्लियरिंग हाउस, तो कोई भी मेंबर बैंक हो सकता है, जैसे SBI ICICI हो गए मेंबर बैंक, सब मेंबर बैंक हु विल पार्टिसिपेट थ्रू मेंबर, तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली कुछ बैंक ऐसे जो कि छोटे जिनको डायरेक्टली क्लियरिंग हाउस का एक्सेस नहीं मिलता, तो क्या करेंगे जैसे उसके आसपास कोई बड़ा बैंक जैसे SBI है, तो कोई छोटा बैंक जाके SBI के थ्रू भी जो है अपना चेक क्लियरिंग के लिए भिजवा सकता है, तो उस केस में सब मेंबर बैंक होंगे, हु विल पार्टिसिपेट थ्रू मेंबर्स, जो कि मेंबर के थ्रू जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। तीसरा इनडायरेक्ट मेंबर, अभी इनडायरेक्ट मेंबर कौन होगा, हु कैन पार्टिसिपेट फॉर सबमिशन ऑफ डेटा एंड इमेजेस थ्रू अ मेंबर बैंक बट विल मेंटेन ए सेपरेट, तो ये भी जो आपका इनडायरेक्ट बैंक होगा वो भी SBI के थ्रू यानी मेंबर बैंक के थ्रू ही पार्टिसिपेशन करेगा, बट उसका अलग से सेटलमेंट अकाउंट रहेगा, उसका सेटलमेंट अकाउंट अलग से, और ये जो सब मेंबर है उसका सेटलमेंट अकाउंट अलग से नहीं है, यही मेन डिफरेंस है मेंबर और सॉरी सब मेंबर और इंडर, इसका अलग से सेटलमेंट अकाउंट रहेगा, और ये जो है इसका अलग से सेटलमेंट अकाउंट नहीं है, ये मेंबर बैंक के थ्रू जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। तो तीन तरह के यहाँ पे हो गए, और जो भी जिसके एरिया में जो ग्रिड पड़ेगा ठीक है वो उसको सर्व करेगा। इसमें लिखा है कि बैंक आर नॉट ए मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस, तो जो भी बैंक क्लियरिंग हाउस के मेंबर नहीं है वो या तो सब मेंबर के थ्रू या इनडायरेक्ट मेंबर के थ्रू जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा था ना सब मेंबर इनडायरेक्ट मेंबर, इसी का यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हर ग्रिड जो है अपना अपना प्रोसेसिंग करेगा, और क्लियरिंग हाउस जो जो बैंक उनके जो रिडक्शन एरिया में आएंगे उनके थ्रू जो है क्लियरिंग करेगा।
बैंक नीड टू ट्रांसमिट द क्लियरिंग फाइल्स। तो क्लियरिंग फाइल्स कौन सा होगा, जिसमें चेक्स की स्कैंड इमेज होगी, उसको बोला जाता है क्लियरिंग फाइल। तो बैंक क्या करेगा, वो जितनी भी चेक्स आए हैं उनकी स्कैंड इमेज की एक फाइल बनी, जिसको हमने बोला क्लियरिंग फाइल। ठीक है, टू क्लियरिंग थ्रू अ क्लियरिंग हाउस इंटरफेस, CHI या डेटा एक्सचेंज मॉड्यूल। डेटा एक्सचेंज मॉड्यूल के थ्रू या क्लियरिंग हाउस इंटरफेस के थ्रू जो है क्लियरिंग हाउस को फाइल्स भेजेगा। चेक्स ड्रॉन ऑन बैंक ब्रांच विद इन द ग्रिड रिडक्शंस आर क्लियर। तो जिस जिसके एरिया में आएगा, जैसे हमने बोला कि एक नॉर्थन साउथन, तो जिस जिसके एरिया में आएगा तो उस क्लियरिंग हाउस के पास जाएगा, और T+1 बेसिस पे जो है, अगर लोकल चेक्स है तो T+1 बेसिस पे यानी सेटलमेंट हो जाता है। और बैंक नीड टू हैव स्कैनर्स फॉर, तो उसमें बोला कि बैंकों को स्कैनर रखना चाहिए ताकि इस इंस्ट्रूमेंट को वो स्कैन कर सके और क्लियरिंग फाइल जो है क्रिएट कर सके। क्लियरिंग फाइल्स कौन सी है, ये वो फाइल्स है आपकी जिसमें आपकी स्कैंड इमेज है, तो उसके लिए स्कैनर होना जरूरी है। और जो प्रेजेंटिंग बैंक है, जैसे SBI जो कि प्रेजेंट कर रहा है, तो सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हाइब्रिड मॉडल अलग अलग रहता है ट्रांजेक्शन के, तो वो अपने हिसाब से सिक्योरिटी और एफिशिएंसी के हिसाब से जो है डिसाइड कर सकता है कि कौन से मॉडल के थ्रू उसको ट्रांजेक्शन के लिए चेक भेजना है। CTS प्रोसेस फ्लो, इसमें किस तरह से जो है प्रोसेस फ्लो होता है, कैसे कैसे इस फेज से मतलब प्रेजेंटिंग बैंक से कैसे कैसे चेक पेइंग बैंक तक कैसे कैसे पहुँचता है। तो ओनली CTS 2000 कंप्लाइंट इंस्ट्रूमेंट कैन बी, तो जो CTS के थ्रू, जो कि आपका CTS 2010 है उसके थ्रू जो है चेक्स को भेजा जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या स्टेजेस होंगे, पहला पहला आपका आएगा प्रेजेंटिंग बैंक। प्रेजेंटिंग बैंक वही होगा, फॉर ईच चेक द प्रेजेंटिंग बैंक या बैंक कैप्चर द डेटा एंड इमेज ऑफ चेक इधर एट द ब्रांच और सर्विस ब्रांच। तो बैंकों का या तो सर्विस ब्रांच है, जो नॉर्मल ब्रांच है वहां पे उसको स्कैन करके भेजेगा। तो प्रेजेंटिंग बैंक कौन हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया SBI का कस्टमर है, तो SBI का कस्टमर लेकिन वो चेक लेके आया ICICI का। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार आप मान लीजिए अगर SBI में काम करें, तो आपने देखा होगा कस्टमर ICICI का, HDFC का, बाकी बैंकों का चेक लाकर आपको बोलते हैं कि इसको क्लियरिंग के लिए भेजना है। तो SBI ये नहीं बोल सकता ना कि ICICI के पास जाओ, यहाँ पे क्यों है, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कस्टमर SBI का है, तो उसको चेक मिला हुआ है इसीलिए। तो उस केस में प्रेजेंटिंग बैंक हो जाएगा SBI का। दूसरा आ जाएगा प्रेजेंटिंग क्लियरिंग। क्लियरिंग हाउस प्रोसेस द डेटा, तो अब क्या होगा कि जो डेटा मिला है प्रेजेंटिंग बैंक ने स्कैन करके जो भेजा है, उस डेटा को प्रोसेस करेगा। ठीक है, और फिर चेक करने के बाद क्या करेगा, डेटा को पेइंग बैंक को भेज देगा। यानी इसमें क्या हो रहा है कि प्रेजेंटिंग बैंक सीधे ही पेइंग बैंक को जो है, प्रेजेंटिंग बैंक पेइंग बैंक को सीधे नहीं भेज रहा, वो क्लियरिंग हाउस को भेज रहा है, और क्लियरिंग हाउस जो है पेइंग बैंक को भेज रहा है। तो ये दो बैंकों के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करेगा क्लियरिंग हाउस। ठीक है, तो अब वो क्लियरिंग हाउस के को उसने भेजा, और वो जो क्लियरिंग हाउस है वो चेक करेगा और उसको पेइंग बैंक को भेज देगा। तीसरा नंबर आएगा पेइंग बैंक का। पेइंग बैंक रिसीव द इमेजेस, तो उसको वो इमेज मिल जाएगी एंड डेटा फ्रॉम क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस से उसको डेटा मिल गया फॉर पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग, पेमेंट के लिए, विच इज डन ऑन द सेम डे। जब उसको मिलेगा तो उस डे वो पेमेंट कर देगा। द पेइंग बैंक ऑल्सो जनरेट द रिटर्न फाइल फॉर अनपेड। तो कई बार उसको कुछ क्लियर नहीं होता, या फिर इमेजेस क्लियर नहीं है, या बहुत ज़्यादा कटिंग है, या जो अमाउंट में कुछ मिसमैच है, इस तरह का कोई इशू है, या मान लीजिए बैलेंस नहीं है, तो इस केस में क्या करेगा, पेइंग बैंक उसको रिटर्न भी कर देगा। हमेशा 100% केसेस में पास नहीं करेगा, वो रिटर्न भी करेगा, तो उसके लिए रिटर्न फाइल वो जनरेट करेगा। नेक्स्ट आता है रिटर्न क्लियरिंग। द रिटर्न फाइल जो कि पेइंग बैंक ने वापस भेज दिया आर प्रोसेस बाय क्लियरिंग। वो क्या डायरेक्ट भेजेगा, नहीं, वो भी क्लियरिंग हाउस के थ्रू भेजेगा। जो मान लीजिए 10 चेक्स की इमेज आई है, मान लीजिए 8 ठीक है और 2 में गलती है, तो 2 के लिए वो रिटर्न फाइल जनरेट करेगा और क्लियरिंग हाउस को भेज देगा वापस। क्लियरिंग हाउस चेक करेगा, अच्छा 2 रिटर्न हो गया, तो फिर वो क्लियरिंग हाउस आगे उसको प्रेजेंटिंग बैंक को भेज देगा। ठीक है, वही इसमें चलेगा। और जो रिटर्न फाइल आई पेइंग बैंक से, तो वो क्लियरिंग हाउस को भेजेगा इन द रिटर्न क्लियरिंग सेशन। तो एक तो रिटर्न क्लियरिंग सेशन अलग से चलता है, इन द सेम वे जैसे आपका प्रेजेंटिंग क्लियरिंग चल रहा है, वैसे रिटर्न क्लियरिंग भी चल रहा है। एंड रिटर्न डेटा इज प्रोवाइडेड टू प्रेजेंटिंग बैंक फॉर प्रोसेसिंग, तो वो जो है प्रेजेंटिंग बैंक को वापस भेज देगा। ठीक है, एंड रिटर्न साइकिल इज कंप्लीटेड ऑन फॉलोइंग डे ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट प्रेजेंटेशन। तो जैसे ही आपका, जिस दिन आपने प्रेजेंट किया, तो नेक्स्ट डे आपका रिटर्निंग साइकिल भी पूरा हो जाएगा। रिटर्निंग साइकिल कब से शुरू होगा, जैसे ही पेइंग बैंक को पता लगा कि चेक्स में कुछ गड़बड़ है, तो वापस क्लियरिंग हाउस को भेजेगा, फिर क्लियरिंग हाउस प्रेजेंटिंग बैंक को भेजेगा। तो इसके साथ आपका जो रिटर्न का साइकिल है कंप्लीट हो जाएगा। सेटलमेंट बेस्ड ऑन ऑल इंस्ट्रूमेंट दैट हैव बीन एसेटेड, तो एक सेशन में जितने भी क्लियरिंग हाउस में इंस्ट्रूमेंट हुए, तो उनके बेसिस पर उनका नेट सेटलमेंट करेगा। ठीक है, आप जानते हैं कि क्लियरिंग विंडो जब क्लोज होगी ना, आफ्टर क्लोजर ऑफ क्लियरिंग विंडो, तो हर बैंकों का जो है अलग अलग सेटलमेंट अकाउंट रहता है अलग अलग ग्रेड में। तो और उस अकाउंट में बैंकों को जो है सफिशियंट बैलेंस भी रखना होता है। ठीक है, बैंक, और ये जो आपका क्लियरिंग का काम कौन कर रहा है, ये RBI है एक तरह से, मतलब RBI का सब्सिडी, RBI इसको देख रहा है। अब इसमें होगा क्या कि जो भी क्लियरिंग होगा, तो हर बैंकों का उस क्लियरिंग हाउस के पास जो है करंट अकाउंट रहेगा, तो उसमें बैलेंस रहना चाहिए। तो क्या करेगा, नेट सेटलमेंट करेगा। नेट सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये क्लियरिंग हाउस है, SBI के कस्टमर ने चेक्स भेजा और पेमेंट आनी थी मान लीजिए 10,000 की, और ये है ICICI, ICICI का भी कोई कस्टमर हो सकता है, तो SBI का कस्टमर ICICI को भेज रहा है, 10,000 का पेमेंट आना चाहिए, और ऐसे ICICI का,
SBI को पेमेंट आना चाहिए मान लीजिए 15,000, तो SBI को ICICI को देने 10,000 और ICICI को SBI को देने 15,000, तो नेट कितना बचा? 5,000। बस 5,000 रुपये यहाँ से वहाँ जाएगा। सिंपल, दो दोस्त हैं, एक दोस्त को मान लीजिए दूसरे को देने 10,000 और दूसरे दोस्त को इसको देने 5,000, तो क्या, या तो दो काम कर सकते, ए बी को पहले 10,000 देगा और फिर बी ए को 5,000 देगा, या इससे अच्छा एक सिंपल तरीका है कि ए को तो बी को 10,000 देने और ये इसको 5,000, तो 5,000 एडजस्ट हो गए और सिर्फ 5,000 ए बी को देगा, तो एक ही बार में ट्रांसफर हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं नेट सेटलमेंट। नेट में मतलब जितना नेट अमाउंट है वो पे कर दो, क्योंकि अगर ए बी को 10,000 भेजेगा तो एक काम हुआ, फिर बी ए को 5,000 भेज रहा है दो काम हुआ, तो सिंपल तरीका क्या है कि ए बी को 10,000 भेजना है, बी को ए को 5,000 भेजना है, तो 5,000 कैंसिल करते हैं, सिर्फ 5,000 ए बी को भेजेगा, तो एक ही बार में जो ट्रांजेक्शन पूरी हो जाएगी, इसी को बोलते हैं नेट सेटलमेंट। तो ए और बी को आप बैंक समझ सकते हैं, एसबीआई को आईसीसी को कुछ पैसे देने हैं कस्टमर के बेसिस पे और आईसीसी को एसबीआई को देने, तो जितना नेट अमाउंट बचेगा उस चीज में सेटलमेंट होगी, मतलब एक ही बार में सेटलमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि एसबीआई आईसीसी को 10,000 भेज रहा है फिर आईसीसी एसबीआई को 15,000 भेज, नहीं, जितना नेट अमाउंट है वो होगा और एक ही बार में जो है सेटलमेंट हो जाएगी, या तो एसबीआई आईसीसी को भेजेगा या आईसीसी एसबीआई को भेजेगा, उसको बोलते हैं नेट सेटलमेंट। और सभी का अकाउंट करंट अकाउंट रहता है क्लियरिंग हाउस के पास आरबीआई के साथ, तो वहां से सीधे जो है डेबिट क्रेडिट हो जाता है, और आपको जो बैंक है उनको सफिशियंट बैलेंस रखना होता है ताकि आसानी से डेबिट हो सके। क्रेडिट किसको होगा? डेबिट क्रेडिट करने का काम भी ये क्लियरिंग हाउस ही कर रहे हैं, डायरेक्ट बैंक डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते, ठीक है? तो क्लियरिंग हाउस को जो है वो सारा कुछ हिसाब किताब रखेगा कि दिन भर में एसबीआई का आईसीसी को कितना देना और आईसीसी का एसबीआई को कितना देना, नेट कितना बचा उस सबसे उसका करंट अकाउंट डेबिट करके वो एसबीआई में भेज देगा, या अगर एसबीआई को आईसीसी को देना होगा नेट 5,000 तो एसबीआई का डेबिट करके आईसीसी को भेज देगा, तो वो काम क्लियरिंग हाउस खुद से करेगा। और किस अकाउंट के थ्रू करेगा? हर बैंकों का करंट अकाउंट आरबीआई के साथ रहता है उस अकाउंट के थ्रू करेगा, और बैंकों को हमेशा सफिशियंट बैलेंस रखना होता है। इस तरह से आपका सेटलमेंट हो गया। क्लियरिंग साइकिल, देर इज वन प्रेजेंटिंग क्लियरिंग साइकिल एंड वन कर, तो दो साइकिल चलेगी, एक तो क्लियरिंग साइकिल जिसमें आप प्रेजेंट कर रहे हो और एक उसी के अगेंस्ट जो कि रिटर्न हुआ, रिटर्निंग साइकिल, ठीक है, पर डे फॉर सीटीएस। तो सीटीएस के लिए इस तरह से एक साइकिल जाने का, एक जो रिटर्न हुआ उसके आने का। नेक्स्ट आता सिक्योरिटी फीचर्स, तो अच्छे से रहे, सिक्योर रहे, कोई भी डेटा हैक ना हो जाए या इमेजेस कोई चेंजेस ना हो जाए, तो एंड टू एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पीकेआई, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, तो उसको सीटीएस में इंप्लीमेंट किया गया। एंडोर्समेंट, एट द टाइम ऑफ स्कैनिंग अ सिंगल लाइन एंडोर्समेंट इज प्रिंटेड ऑन बैक ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट विच इज यूनिक आइडेंटिफायर। तो एंडोर्समेंट जो है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके बैक साइड में जो है इंस्ट्रूमेंट रहता, अब जो है एंडोर्समेंट रहता है। और फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि मतलब रिपीट नहीं करना, ओवरलैपिंग इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आपको, अगर मान लीजिए कोई चेक पहले रिटर्न हुआ, ठीक है, फिर वापस आप भेज रहे हो, तो बेटर आपको स्टिकर ये सब आप उसमें यूज़ कीजिए, और ओवरलैपिंग ये नहीं होना चाहिए। स्टिकर कैन बी यूज टू अवॉइड प्रीवियस एंडोर्समेंट, तो पुराने जो एंडोर्समेंट है उस पर आप स्टिकर इस तरह से लगा दीजिए ताकि वो जो है ओवरलैपिंग या फिर समझ में ना आए, इस तरह का इशू ना हो, मतलब क्लियर कट रखने के लिए ऐसा बोला गया। और पहले मान लीजिए कोई भी चेक्स आपने रिटर्न किया है तो ऑल आवर स्टैम्प आर कैंसल, तो ये भी आपको ये वाली सील लगानी पड़ेगी ताकि कैंसिलेशन को शो कर सके कि आपने रिटर्न उसको किया, ठीक है? तो ये यहाँ पे स्टेजेस आपका हो गया। नेक्स्ट आता है सीटीएस डिफरेंस डिफरेंस फॉर बैंक एंड कस्टमर, तो ये बैंक के लिए और कस्टमर के लिए किस किस तरह से डिफरेंस है, मतलब कस्टमर को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और बैंकों को। एज अ चेक आर नाउ पेड बाय द ड्रॉई बैंक बेस्ड ऑन इमेजेस, तो जो फिजिकल चेक के बदले जो है इमेजेस जा रही है ड्रॉई बैंक के पास। ड्रॉई बैंक कौन सा होगा? पेइंग बैंक होगा, ठीक है, जो पे करेगा। ड्रॉअर बैंक कौन सा? एसबीआई, जहाँ से चेक जा रहा था, और ड्रॉई बैंक आपका आईसीसी हो जाएगा, ठीक है? तो ड्रॉई बैंक जो है पेमेंट कर रहा है फिजिकल चेक से नहीं बल्कि इमेजेस से ही कर रहा है। इट इज क्रिसल, ये जरूरी है कि दिस इमेजेस आर क्लियर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ चेक्स आर फुल्ली विजिबल, तो इमेज बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर इमेज क्लियर नहीं है और ड्रॉई बैंक को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको अनक्लियर दिख रहा है, तो उसको रिटर्न भी कर देते, तो इसलिए इमेज क्लियर होना बहुत जरूरी है और सारी चीज़ें प्रॉपर लिखी होनी चाहिए और सब कुछ विजिबल होना चाहिए। और एक और बात कि जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो तो अवेलेबल नहीं है पेई बैंक के पास, पेई बैंक के पास तो बस इमेज है। टू इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोसेस द कस्टमर एंड प्रेजेंटेशन बैंक हैव सम न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि फिजिकल इमेज नहीं है तो सिर्फ चेक्स के थ्रू ही सारा काम हो रहा है, तो चेक्स क्लियर कट होनी चाहिए, सारी चीज़ें उसमें डिटेल्स लिखी होनी चाहिए। तो कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि प्रेजेंटिंग बैंक की और कस्टमर की। तो पहले हम बात करेंगे कस्टमर को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब वो चेक्स को लिख रहा है, और फिर हम देखेंगे कि प्रेजेंटिंग बैंक मतलब एसबीआई जो कि चेक को भेजने वाला है ड्रॉई बैंक के पास या पेइंग बैंक के पास, तो उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस उसमें रखनी चाहिए। तो पहले हम प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ से कस्टमर टू यूज ओनली सीटीएस 2010 इंस्ट्रूमेंट, तो आप जानते हैं कि चेक जैसे रहता है तो यहाँ पे साइड में लिखा रहता है सीटीएस 2000, तो वही वाली चेकलिफ इस्तेमाल करनी है, बिकॉज अदर टाइप ऑफ लीव मे नॉट बी प्रॉपर इमेज और ऑन स्कैनिंग, तो बाकी टाइप की जो चेकलिफ है उसकी स्कैनिंग इमेज क्लियर नहीं आती है। टू यूज इमेज
जो भी आप लिख रहे हैं मतलब परमानेंट होना चाहिए, क्लियर कट लिखना है, साफ साफ दिखना चाहिए कि क्या आपने लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसमें बोला है, सारे डिटेल्स लिखने, बेनिफिशियरी मतलब किसको पेमेंट मिलनी है, उसका नाम, डेट, अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर, और सेम पेन एक ही टाइम पे इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं थोड़ा चेक अभी लिखा, थोड़ा बाद में लिखा, कभी कोई कलर का पेन, कभी कोई, सेम पेन से ज़्यादातर ट्राई कीजिए। अमाउंट इन वर्ड्स टू और बिगिन विथ रुपीज़, तो जो भी आप अमाउंट वर्ड में लिखने जा रहे हैं उसकी शुरुआत रुपीज़ से कीजिए, और जैसे आपका अमाउंट कंप्लीट हुआ तो आपको लास्ट में ओनली लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2,000 रुपीज़, तो स्टार्ट कीजिए ₹2,000, लास्ट में लिख दीजिए ओनली, शुरुआत रुपीज़ से और लास्ट में ओनली। ये सब आप लोग बैंकों में करते होंगे तो वही सब पॉइंट्स में लिखा है, तो इतना कुछ इसमें मुश्किल नहीं होगा। और अगर फिगर्स में आप अमाउंट लिख रहे हैं तो उसको जो है रिटर्न क्लोज टू द बॉक्स, जो बॉक्स है वहाँ पे लिखना, एंड एंड भी कोई जो अमाउंट है 2,000, तो उसको हम इसी से एंड करते हैं ना, 2,000, ये वाला साइन लगाने के लिए बोल रहे हैं आप, आफ्टर द अमाउंट। साइन क्लियरली एक स्पेस रहता है जहाँ पे आपको साइन करना होता है, वहीं पे साइन करना, और क्लियर कट मतलब क्लियरली आपको साइन करना है। नॉट टू मेक एनी अल्टरेशन, कोई कटिंग चेंजेस मत कीजिए, बेटर आप नया फ्रेश चेकलिप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फिर बाद में डिफिकल्ट हो सकता है इमेजेस में, अगर आपने बहुत ज़्यादा अल्टरेशन किए तो वो आपका रिटर्न भी आ जाएगा, तो बेटर अगर नई चेकलिप है तो वो इस्तेमाल कीजिए, अगर कुछ कटिंग या अल्टरेशन करना है तब। नॉट टू राइट इन, नो राइटिंग ओवरफ्लो इन टू द बॉटम, तो एक MICR बैन रहता है चेक में, तो उसमें आपको कुछ नहीं लिखना, क्योंकि उसमें MICR इन्फॉर्मेशन रहती है और उससे से क्लियरिंग आपका डेटा कैप्चर होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं लिखना। तो ये सारी आपकी कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। अब हम प्रेजेंटिंग बैंक का देखेंगे, उनको क्या करना चाहिए। पहली बात, जो प्रेजेंटिंग बैंक है, जैसे SBI को ICICI का चेक मिल रहा है प्रेजेंट पे क्लियरिंग में भेजने के लिए, तो SBI चेक करेगा कि वो जो ICICI का चेक लिया उसमें सारे डिटेल्स है कि नहीं है, टू इंश्योर दैट चेक डिपॉजिट आर CTS 2010 स्टैंडर्ड, और ताकि इम्प्रॉपर इमेज ना आए, तो CTS 2000 वाला चेक या है या नहीं है ये पहले को चेक कर लेगा। दूसरा, जो ड्यू डिलीजेंस है वो प्रेजेंटिंग बैंक में, मतलब कस्टमर को चेक करना, उसका KYC, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये किसके ऊपर है, ये पेइंग बैंक प्रेजेंटिंग बैंक के ऊपर है, क्योंकि कस्टमर तो प्रेजेंटिंग बैंक से मिल रहा है, भले ही वो ICICI के लिए गया, पर जो कस्टमर का जो फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है फेस टू फेस, वो तो प्रेजेंटिंग बैंक के हो रहा है, तो उसका ड्यू डिलीजेंस, उसका KYC सब चेक करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रेजेंटिंग बैंक के ऊपर होता है, उस पेइंग बैंक के ऊपर नहीं होता, ठीक है। और ये चीज़ें सेक्शन 131 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बोली गई, उसको सारे प्रिकॉशंस जो है रखने चाहिए, और उसको ये भी देखना है कि टू चेक मतलब जो टेन्योर है आपके इंस्ट्रूमेंट का वो क्लियर है, और फिजिकल फील ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट फिजिकली कोई फेक तो नहीं है या कोई टैम्परिंग तो नहीं की गई है जो कि क्लियरली आपको नेक डाई से दिख जाए, तो वो सब चीज़ें एक बार आपको चेक कर लेनी है। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल जो है प्रेजेंटिंग बैंक है। टू चेक दैट इंस्ट्रूमेंट हैव बिन प्रॉपरली रिटर्न, मतलब वो अच्छे से लिखा हुआ है, और क्योंकि अगर क्लियर कट नहीं लिखा होगा तो फिर वो आपका रिटर्न भी हो जाएगा, अगर कुछ चीज़ें अनक्लियर होगी या एलिजिबल इमेजेस होंगी तो उसको वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा, तो इसीलिए एक बार आप भी चेक कर लीजिए कि सब कुछ क्लियरली कस्टमर ने लिखा है। टू स्क्रूटनाइज द चेक केयरफुली फॉर डिटेल, देखना है कि कोई मटेरियल अल्टरेशन मतलब उसमें कुछ चेंज तो नहीं किया गया, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई चेंज तो नहीं किया गया। नेक्स्ट, टू इंश्योर दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर हैव बीन डन, तो कस्टमर का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना है टू मिटिगेट रिस्क ऑफ फ्रॉड, मतलब किसी तरह का फ्रॉड ना हो तो बैंक को जो है कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लेना है। और रबर स्टैम्प, बैंक अपने अगर स्टैम्प लगा रहा है, उसको फिक्स कर रहा है, तो देखना है कि जैसे डेट पे ही नेम वहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो सिग्नेचर है वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टैम्प आप लगा रहे हो और स्टैम्प की वजह से सब कुछ छुप गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितने भी इसे चल एलिमेंट्स हैं चेक्स के वो स्कैनिंग में कवर हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं आपने स्कैनिंग इस तरह से कि साइन छुप गया या गलत तरह से स्कैनिंग की, वैसा नहीं है, स्कैनिंग अच्छे से करनी है और सारी जो चीज़ें जरूरी है वो स्कैनिंग प्रोसेस में प्रॉपर वो स्कैन हो जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट बोला, बोथ द कस्टमर्स एंड बैंक मस्ट कीप इन माइंड फॉलोइंग टू रिस्ट्रिक्शन, दो पॉइंट्स का बैंकों को, प्रेजेंटिंग बैंक और कस्टमर को, दो पॉइंट का अच्छे से ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है, चेक्स विद अल्टरेशन इन मटेरियल फील आर नॉट अलाउड टू बी प्रोसेस, तो जिस चेक्स में आपने अल्टरेशन, कटिंग या चेंजेस किया है तो वो अलाउ नहीं है। दूसरा, चेक्स नॉट कम्प्लेक्स, CTS 2000 वाले चेक्स ही अलाउ है, यहाँ पे मेंशन भी रहता है चेक्स में CTS 2000, क्योंकि वही प्रॉपर सही वे में स्कैन हो पाता है, उसी को एक्सेप्ट किया जाता है। तो अगर चेक्स 2000 और 10 वाला CTS नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, और जिसमें अल्टरेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। ये दो रजिस्ट्रेशन का ध्यान बैंकों को भी रखना है और कस्टमर को भी रखना है, ये वाला टॉपिक आपको यहाँ पे हुआ, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका CTS चेक इमेज, मतलब कितनी इमेज इसकी ली जाती है, तीन इमेजेस इसमें ली जाती है। कलर है इसमें जो CTS है वो तीन कलर कॉम्बिनेशन यूज करता है, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, ठीक है। तो तीन इमेज ली जाएगी हर चेक लिप की, ईच चेक की, जो फ्रंट फेस चेक्स का, एक तो फ्रंट साइड होता है जहाँ पर डिटेल होती है, बैक साइड होता है, ठीक है। फ्रंट ग्रे स्केल में रहेगा, फिर फ्रंट को दोबारा से ब्लैक और व्हाइट वाले में लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट एंड बैक साइड ब्लैक एंड व्हाइट, तीन हो गए। एक तो फ्रंट आपको ग्रे में लेना है, दूसरा जो चेक का बैक साइड है उसको व्हाइट और ब्लैक में लेना, और तीसरा जो बैक साइड है चेक का उसको ब्लैक और व्हाइट में लेना है।
यानी फ्रंट का ग्रे है और फ्रंट का ब्लैक वाइट है, और ब्लैक का जो बैक साइड है उसका भी ब्लैक वाइट है। तो तीन इमेजेस आपको लेनी है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया। और उससे पहले का इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था, कौन से तीन ग्रिड है, जैसे हमने बोला ना दिल्ली मुंबई और चेन्नई, वो तीन ग्रिड का नाम आपको याद रखना, वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और इमेजेस ऑफ चेक आर टेकन यूजिंग स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक स्कैनर्स होते हैं, उन्हीं से आप इनको स्कैन कर सकते हैं। द प्रेजेंटिंग बैंक हैज़ टू डिजिटली साइन द इमेजेस एंड डेटा एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो जो प्रेजेंटिंग बैंक है उसको जो इमेज है उसको डिजिटली साइन करना है। ठीक है, जब आपका जनरली अप्रूवल रहता है मेकर चेकर कॉन्सेप्ट, तो जो चेकर है वो उसको अप्रूव कर रहा है, वो आपका डिजिटली साइन करके हो जाता है। और चेक्स जो जा रही है उसमें कुछ भी चेंज ना किया जाए, वो प्रॉपर ऑथेंटिकेट हो, सिक्योरिटी हो, तो इसलिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये क्या करता है, चेक्स को कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते, मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएगा, तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका CTS, पॉजिटिव पे सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है, जनरली ये एप्लीकेबल है 50,000 या उससे ऊपर के अमाउंट के लिए जो चेक्स हैं उनके लिए पॉजिटिव पे सिस्टम एप्लीकेबल है, और 5 लाख या उससे ऊपर के जो चेक है उसके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, 5 लाख है उससे। तो इसमें होता क्या, RBI ने इसको शुरू किया था CTS के लिए, और कब से, 1 जनवरी 2021, तो बहुत पुराना नहीं है, अभी लेटेस्ट 1-2 साल की बात है। दिस इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है कि रिकन्फर्मिंग की डिटेल्स ऑफ लार्ज वैल्यू चेक, तो जो ज़्यादा अमाउंट के चेक्स है तो उसकी वैल्यू को रिकन्फर्म करता है। द इश्यूर ऑफ द चेक सबमिट इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि जो चेक इशू कर रहा है वो क्या करेगा, SMS से, मोबाइल ऐप से, इंटरनेट बैंकिंग या ATM से सर्टेन मिनिमम डिटेल्स ऑफ चेक्स। तो चेक्स की कुछ डिटेल है, जैसे डेट क्या है, बेनिफिशियरी का नाम कौन है, क्या है, पे कौन है, या अमाउंट कितना, तो कुछ मिनिमम डिटेल्स जो है इश्यूर ऑफ चेक, जो चेक को इशू कर रहा है, मान लीजिए मिस्टर ए है वो चेक को इशू कर रहा है। ठीक है, मिस्टर ए अपने अकाउंट का चेक किसी के नाम पे इशू कर रहा है, तो जो ए है उसको बोला जाएगा इश्यूअर ऑफ द चेक। तो अपना इंटरनेट से, बैंकिंग से, ATM से, SMS से, मोबाइल से, किसी से भी जो है डिटेल्स को शेयर कर सकता है। डिटेल शेयर किससे करनी है, टू द ड्राई बैंक, ड्राई बैंक से डिटेल शेयर। अभी ड्राई बैंक कौन सा होता है, ये तो कस्टमर ही हो गया। ठीक है, ऐसा समझिए ड्राई बैंक आपका हो गया, जो आपका बैंक है उसके साथ आप डिटेल चेक करें, कस्टमर को बोलते हैं ड्रॉअर। ठीक है, ड्रॉअर हो गया कस्टमर, ड्राई होगा आपका बैंक, पे ही होगा जिसके अकाउंट में पेमेंट आनी। तो ड्राई बैंक कौन सा होगा, जो कस्टमर का बैंक है जिसको चेक लिप देने जा रहा है, तो चेक लिप फिजिकल भी देगा और साथ में जो इंटरनेट ATM या इसके थ्रू भी जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा कि क्या चेक है, क्या अमाउंट है, कौन बेनिफिशियरी है, वो सब। और डिटेल्स आर क्रॉस चेक विद द प्रेजेंटेड चेक, और जब वो सच में चेक प्रेजेंट करेगा तो उसको क्रॉस चेक कर लिया जाएगा कि हाँ उसने ये डिटेल्स जो है शेयर किए पहले से। एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज होती है, फ्लैग बाय CTS टू द ड्राई बैंक एंड प्रेजेंटिंग बैंक हु वुड टेक रिड्रेसल मेजर्स, फिर बाद में कोई इशू आता तो वो रिड्रेसल का मेजर्स उसमें लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपकी सॉरी इसमें जो ड्राई बैंक है वो कौन सी है, ड्राई बैंक है जो पेमेंट करेगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटिंग बैंक भी इन्होंने टर्म्स यूज़ किए जनरली, तो जो प्रेजेंटिंग बैंक है ड्राई बैंक उसको इन्फॉर्म करेगा और फिर वो जो है कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, तो कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी ड्राई बैंक के साथ कस्टमर सीधे जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, और जब बाद में स्कैनिंग के थ्रू उसको मिलेगी इमेज तो एक बार कंफर्म कर लेगा कि जो कस्टमर ने बोला है और जो हमारे को चेक्स आई है प्रेजेंटिंग बैंक से वो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इस केस में जो ड्राई बैंक है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस केस में CTS के केस में जिसके पास चेक जा रहा है प्रेजेंटिंग बैंक से ड्राई बैंक के पास जा रहा है, तो ICICI की इसमें बात की जा रही है। ठीक है, SBI से जा रहा है, SBI हो जाएगा प्रेजेंटिंग बैंक, और ड्राई बैंक कौन सा हो जाएगा आपका, ICICI हो जाएगा। ठीक है, उसको कस्टमर ने डायरेक्टली भी भेजा होगा, प्लस जो बैंक है और बैंक के पास तो इन्फॉर्मेशन होगी। NPS दैट इज मैनेजिंग द CTS सिस्टम हैज डेवलप्ड द फैसिलिटी। तो ये NPS, ये जो NPCI है उसी ने ये पॉजिटिव पे वाले को शुरू किया CTS में, और 50,000 या ऊपर के जो भी अमाउंट है उनको ये वाली फैसिलिटीज दी जाएंगी। ठीक है, जो चेक अमाउंट 50,000 या उससे ऊपर वाले उनके लिए एलिजिबल है, और कस्टमर हैज़ अ डिस्क्रिप्शन वेदर, तो वो कस्टमर की मर्जी की वो चाहे तो उसको सुविधा को लेना चाहता है नहीं चाहता। और बैंक हैज़ द ऑप्शन ऑफ मेकिंग इट मैंडेटरी, तो 5 लाख से ऊपर वाले जो चेक्स हैं उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसमें मैंडेटरी है कि आपको पॉजिटिव पे सिस्टम से भी अपनी डिटेल्स भेजनी है, और फिर चेक्स की इमेज से डिटेल जाएगा तो कस्टमर एक बार बैंक एक बार क्रॉस चेक कर लेगा कि CTS इमेजेस से ये आया और कस्टमर ने भी डिटेल भेजा है, तो क्रॉस चेक इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव पे सिस्टम हो गया, एक नंबर का, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है RBI गाइडलाइंस ऑन कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो RBI ने इसको लेके क्या क्या गाइडलाइंस दी है कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट ये सब करने, फॉर्मेलेटिंग चेक कलेक्शन पॉलिसीज। सो RBI ने जो है इसको लेके गाइडलाइंस बताई कि किस तरह से मेंबर बैंक को किस तरह से जो है चेक को प्रोसेस करना है, और किस तरह से इंस्ट्रक्शंस रहेगी जब भी चेक्स का पेमेंट होना है, और टाइमलाइन क्या रहेगा चेक्स का आउटस्टेशन या फिर लोकल चेक्स का पेमेंट के लिए, और इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होगी, मान लीजिए डिले कर दिया बैंकों ने कलेक्शन में या पेमेंट में, तो डिले के चेक केस में जो है पेनल्टी लगेगा, तो RBI ने उसको लेके जो है मेंशन किया गया।
और बैंक के ऊपर है कि वो अपनी पॉलिसीज इसके रिगार्डिंग बनाए, बट जो जो मेन मेन चीज़ें वो पूरी इसमें होनी चाहिए। ब्रॉडली द पॉलिसी शुड इंक्लूड द नॉर्म्स, तो ये नॉर्म्स पॉलिसी में होनी चाहिए। इमीडिएट क्रेडिट फॉर, अगर लोकल और आउटस्टेशन चेक है तो इमीडिएट क्रेडिट होना चाहिए जैसे इमेज अपने पास आया। टाइम फ्रेम कि अगर आप लोकल या आउटस्टेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कलेक्ट कर रहे हैं तो कितने टाइम में आप ऐसा करेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट, अगर आप डिले कर रहे हैं कलेक्शन में तो उसमें आप कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इसको लेकर जो है बैंकों को पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ये सब इसमें बोला है। इसके साथ पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग ब्रॉड प्रिंसिपल्स, तो जो तीन चीज़ों को लेकर जो पॉलिसीज बनाई गई है तो ये प्रिंसिपल्स क्या क्या होनी चाहिए। बैंक शुड फॉर्मुलेट ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, तो बैंकों की एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें ये सारे तीन पॉइंट कवर होनी चाहिए। रिव्यू देयर एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट एंड वर्कआउट ए स्कीम फॉर रिडक्शन, तो कुछ इस तरह का स्कीम करना चाहिए या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि जो कलेक्शन पीरियड है कम से कम हो, मतलब चीज़ें बड़ी फास्ट हो जाए। एडिक्वेट केयर टू इंश्योर दैट इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल, बहुत केयर रखनी चाहिए कि जो स्मॉल डिपॉजिटर है उनका इंटरेस्ट जो है सेफ रहे, मतलब उनको किसी तरीके का इशू इसमें ना हो। और जो भी पॉलिसीज आप बना रहे हैं तो जो आईबीए की मॉडल डिपॉजिट पॉलिसी तो उसके साथ इंटीग्रेट हो गई पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी में क्लियरली कट मेंशन होना चाहिए कि बैंकों की लाइबिलिटीज़ क्या है। अगर डीले कर रहा है बैंक या कोई भी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर रहा तो बैंकों की किस तरह से लाइबिलिटीज़ होगी, तो वो सब इसमें मेंशन होना चाहिए। और कंपनसेशन का भी इसमें रहना चाहिए कि अगर आपने जो है कंपनसेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी मेड विदाउट एनी, कस्टमर क्लेम नहीं कर रहा लेकिन आपने देरी कर दी तो इसलिए आपको कंपनसेशन करनी होगी। जैसे आप इसमें जानते हैं ना एटीएम में, एटीएम में मान लीजिए पैसा डेबिट हो गया और कस्टमर को कैश नहीं मिला, कस्टमर ने मान लीजिए कंप्लेन ही नहीं की, उस केस में फिर भी आप, कस्टमर ने कंप्लेन नहीं की फिर भी आप उसको पैसा देते हैं। एक ऐसा केस था जिसमें कस्टमर ने 5,000 रुपये क्या किया एटीएम से डेबिट किया, ठीक है, लेकिन पैसा नहीं हुआ नहीं आया और वो कस्टमर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया किसी दूसरे बैंक का कस्टमर पर, मान लीजिए उसने SBI के ATM से पैसा लिया। एक ऐसी आपको मैं इंसिडेंट बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है एक्सैक्ट। तो 5,000 डिपॉजिट जो है, 5,000 उसको आना था, उसने कंप्लेन नहीं की, उसने 3 महीने बाद उसको याद आया और 3 महीने बाद उसने कंप्लेन की। 3 महीने में उसका जो पैसा है आप जानते हैं कि कुछ टाइम रहता है, अगर उस टाइम में जनरली से 7 डेज रहे, उस टाइम में अगर कस्टमर का पैसा नहीं उसको मिला तो हर दिन का 100 रुपये के हिसाब से पे करना होता, तो 3 दिन में उसका 10,000 के आसपास जो है, 10,000 कुछ जो है पेनल्टी के तौर पे पे किया गया जब उसने कंप्लेन लिखी। तो 3 महीने बाद उसने कंप्लेन लिखी और सेम डे शाम को उसके अकाउंट में 15,000 रुपये क्रेडिट किया गया। 15,000 के, इसलिए 5,000 कस्टमर के प्लस 10,000 जो उसका जो पेनल्टी का पैसा मिला, तो 15,000 उसको 3 महीने बाद मिला। तो कई बार ऐसे भी होता है कि कस्टमर खुद से कंप्लेन नहीं करता, या कुछ कस्टमर जो है किसी केस में वो लोग जानबूझ के भी कर सकते हैं और किसी केस में ज़्यादातर उनको मालूम नहीं कि क्या कंप्लेन करनी कैसे, पर ज़्यादातर तो कंप्लेन कर देते पर रेयर केसेस में जैसे ना, तो उस केस में कंप्लेन नहीं किया तो उसको 10,000 एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। तो जो स्टाफ है उनका इसमें लॉस हुआ कि उनको देखना चाहिए था कि जो ATM में एक्स्ट्रा पैसा आया वो कहाँ से है, और उसको लेके प्रॉपर जो है आपको, अगर आप बैंकों में कैश ऑफिसर है, कैश ऑफिसर या इस तरह की सीट में अकाउंटेंट, तो आपको इसका बहुत नोट करना चाहिए कि जो ATM का जो पैसा कस्टमर ने नहीं लिया और आपके पास वो पैसा रह गया, तो उस चीज़ पर आपको बहुत नोट करना चाहिए। प्रॉपर पॉलिसी रहती है, खास करके इशू कब आता है जब अदर बैंक के कस्टमर है, जब आपके पास कोई डेटा नहीं है तो अपने RBO से आप बात करके उस पैसे को, आपका जो भी पार्किंग अकाउंट है कहाँ उसको रखना, तो प्रॉपर रखे उसको, ऐसे ही मत जाने दीजिए क्योंकि उससे जो है बहुत इशू ऐसे क्रिएट हो, इस तरह के केसेस जनरली सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कस्टमर कंप्लेन करेगा नहीं करेगा, जैसे मैंने बताया ना वो अदर बैंक का कस्टमर, उसने कंप्लेन नहीं की, 3 महीने बाद वो कंप्लेन करने आया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि 3 महीने बाद जो है उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, कस्टमर के अकाउंट को सॉरी क्रेडिट किया जाएगा। 5,000 उसका जो है वो तो मिलेगा प्लस 10,000 पेनल्टी के तौर पर उसको 3 महीने के हिसाब से जो भी है पर डे का 100 रुपीज़ के हिसाब से एक्स्ट्रा मिला। और इसमें जो 10,000 की पेनल्टी है कहाँ से, ये बैंक नहीं पे करेगा, जो स्टाफ इन्वॉल्व है ये जॉइंट कस्टडी में होता है ना ATM का पैसा, जो कैश ऑफिसर है और जो आपका अकाउंटेंट है, तो आधा आधा दोनों के अकाउंट से डेबिट किया गया और उसको पे किया गया, इस तरह से होता है। तो अगर आप कैश ऑफिसर या अकाउंटेंट इस सीट में, तो इससे इसके लिए जो ATM में जो पैसा नहीं गया होता और आपके अकाउंट में कहीं पे रह गया होता है एक्स्ट्रा पैसा, तो वो जो एक्सेस आपको शो करता है उसको आपको बहुत टेक केयर रहना होता है। कस्टमर की कंप्लेन का वेट कभी मत कीजिए क्योंकि उनको तो पैसा मिलेगा, वो हमारा ही सैलरी से जाएगा, इस तरीके का थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो कस्टमर को लेकर अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई गई है जिसमें कई बार बैंकों को इशू हो जाता है, सो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ अकाउंट पेई चेक्स, तो इसमें बोला है कि RBI हैज़ प्रोहिबिटेड द बैंक फ्रॉम क्रेडिटेड, तो अकाउंट पे ही चेक्स कौन से होते हैं, नाम से ही लग रहा है अकाउंट पे ही, तो इसमें क्या रहता है चेक्स में ऐसे मेंशन रहेगा अकाउंट पे, यानी आप उसको कैश के थ्रू नहीं दे सकते, जिसका नाम मेंशन है उसी के अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो कैश के थ्रू ये पेमेंट नहीं होगी, ये सिर्फ ट्रांसफर होगा किसके अकाउंट में, जो अकाउंट पे ही का नाम है उसके अकाउंट में जो है ट्रांसफर किया जाएगा। और इसमें लिखा है कि उसको लेके क्या बोला है, RBI ने प्रोहिबिट किया बैंक को फॉर क्रेडिट इन एन अकाउंट पेई चेक टू द अकाउंट ऑफ एनी अदर पर्सन देन द पेई, तो जो पेई नाम है उसी के नाम पे उसी के अकाउंट में पैसा होना चाहिए और किसी और के नाम में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो है बताई गई है कि क्या लीगल रिक्वायरमेंट ये सब है।
और ये किस लिए है, ताकि जो बैंकों का जो इंटीग्रिटी और साउंडनेस है, पेमेंट सिस्टम काम करे और किसी टाइप का डेविएशंस का रिकरेंस ना हो, तो ये सब चीज़ें इसमें बोलिए। दूसरा, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कलेक्शंस ऑफ चेक फ्रॉम ए पेमेंट सिस्टम एंगल, अकाउंट पेज चेक्स कलेक्टेड विद सब मेंबर ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट कैन बी कलेक्टेड बाय द स्पॉन्सर बैंक। तो हमने देखा था ना कि किसी किसी केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बैंक है तो वो सब मेंबर आप उसको बोल सकते हो, तो किसी मेंबर बैंक जो कि क्लियरिंग हाउस का मेंबर है तो उसके थ्रू जो है चेक्स दे रहा है, तो उस केस में भी अगर आपका अकाउंट पे ही है तो अकाउंट पे ही के अकाउंट में जो है वही क्रेडिट होना चाहिए। और सब मेंबर को इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी प्रोसीड्स होगी अकाउंट पे की, तो उसकी अकाउंट पे क्रेडिट होनी चाहिए जो कि पे का नाम मेंशन है। विद व्यू टू मिटिगेट द डिफिकल्टीज, तो जो कॉरपोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज रहते हैं तो इनको डिफिकल्टीज आती है, तो इनके मेंबर्स की डिफिकल्टी को कम करने के लिए आरबीआई ने एडवाइस किया है कि बैंक में कंसिडर कलेक्ट अकाउंट पे ही चेक। तो जो अगर 50,000 रुपये तक का, नॉट एक्सीडिंग 50, तो 50,000 तक का अकाउंट पे ही चेक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कॉरपोरेट सोसाइटी के, और पेमेंट उसी के अकाउंट में होनी चाहिए जिसका नाम मेंशन है। ठीक है, बैंक को जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देनी है कि जो भी अकाउंट पे ही का नाम मेंशन है तो उसी के अकाउंट में जो है क्रेडिट होना चाहिए। और ये हमने चेक्स के बारे में पढ़ा, ये सारे इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक, उन सभी पे भी यही वाली चीज़ें लागू होती है। नेक्स्ट सेटिंग हमारा पेमेंट ऑफ चेक, ड्राफ्ट पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक, इन सब का। शुरुआत में पहले क्या था, इट वाज अ प्रैक्टिस टू मेक पेमेंट। पहले था चेक्स, ये आपका पे ऑर्डर, ड्राफ्ट या फिर बैंकर्स चेक, अगर आप 6 मंथ में भी इसको प्रेजेंट करें, डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो भी आपका डेट है, मान लीजिए 1 जनवरी 2023 है, तो पहले क्या था कि 6 महीने तक आप इसको प्रेजेंट कर सकते, 6 महीने तक वो वैलिड रहता था, जैसे कहते हैं ना एक्सपायरी डेट, तो इन सब का एक्सपायरी डेट 6 मंथ होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इससे काफ़ी इश्यूज हो रहे थे, तो इसको चेंज करके 3 मंथ्स कर दिया गया। कब से? 1 अप्रैल 2012 से जो है ये जो टाइमिंग है रिड्यूस कर दी गई 3 मंथ्स। तो अभी के टाइम पे बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर, ड्राफ्ट चेक्स का जो वैलिडिटी है, जो भी उस पर डेट मेंशन रहेगा, उसका 3 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट करना होगा, वरना उसको एक्सपायर माना जाएगा, फिर एक फ्रेश नया चेक या नया वो इशू करना होगा। नेक्स्ट आता है चेक इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट इन ट्रांजिट या क्लियरिंग। अगर मान लीजिए चेक इंस्ट्रूमेंट रास्ते में कहीं खो जाए या फिर क्लियरिंग हाउस में या प्रेजेंटिंग बैंक में खो जाए, तो कौन लाइबल होगा और किस तरह से इसका जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो पहला आता है कि चेक लॉस्ट इन ट्रांसमिट, मान लीजिए चेक क्लियरिंग हाउस में या कहीं और रास्ते में कहीं खो गया, ठीक है, या पेइंग बैंक में ही पेइंग बैंक ब्रांच में खो गया, तो बैंक शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर को बताएगा, सो दैट शी कैन इन्फॉर्म द ड्रॉअर टू टेक, ताकि जो ड्रॉअर है या तो उसकी स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शन दे। और बैंकों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके चक्कर में कोई डिसऑनर्ड ना हो जाए ड्यू टू नॉन क्रेडिट ऑफ द अमाउंट ऑफ द लॉस्ट चेक, मतलब बाद में नए चेक्स इशू किए जाएंगे, तो नए चेक्स के चक्कर में जो पुराना चेक जो कि लॉस्ट हुआ उसकी वजह से नए चेक को डिसऑनर नहीं किया जाना चाहिए। और ऑनर्स ऑफ सच लॉस विद द कलेक्टिंग, तो जो कलेक्टिंग बैंक है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, कोई भी लॉस होता है तो वही फेस करेगा, अकाउंट होल्डर का कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए उसको डिले हो जाती है डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट की वजह से, कोई और उसके एक्सपेंसेस होते हैं अकाउंट होल्डर की, तो बैंक उस कस्टमर को जो है रिमबर्स करेगा। अगर कोई डिले हो जाती है तो उसके लिए बैंक उसको इंटरेस्ट भी पे करेगा। इफ द चेक इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन लॉस्ट एट पेइंग बैंक ब्रांच, अगर मान लीजिए पेइंग बैंक ब्रांच में वो इंस्ट्रूमेंट खो जाता है, कलेक्टिंग बैंकर के पास पूरा राइट है कि वो जो रिमबर्समेंट है पेइंग बैंक से ले सकते, क्योंकि कलेक्टिंग जो आपका कलेक्टिंग बैंक है वो तो कस्टमर को रिइंबर्समेंट दे रहा है अगर कोई लॉस हो गया। और जो है अगर पेइंग बैंक के पास वो खो गया, मान लीजिए पेइंग बैंक को दिया था चेक आपने, तो कलेक्टिंग से जो है कलेक्टिंग बैंक रिइंबर्समेंट ले सकता है पेइंग बैंक से, और कलेक्टिंग बैंक ने तो ऑलरेडी कस्टमर को दिया होगा, तो वो अपना रिइंबर्समेंट भी ले सकता है। ठीक है, ये सब गाइडलाइंस इसमें दी है। नेक्स्ट आता है बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन, तो इसमें वही आ जाएगा बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, और तो अगर किसी बैंक ने बिल डिस्काउंटिंग पर्पस के लिए जो है बिल्स को कलेक्शन के लिए लिया है, तो वो दूसरी ब्रांच जहाँ पे बिल का पेमेंट होना है तो वहाँ उसको भेज देगा, जो भी उसका रियलाइजेशन सेंटर है वहाँ पे उसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले इन कलेक्शन, मान लीजिए कलेक्शन आप देरी से करते हैं तो कस्टमर को जो लॉस है उसके लिए क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक पे इंटरेस्ट टू द लॉजर फॉर द डिले पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बिल, तो इंटरेस्ट कितना रहेगा, जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं सेविंग बैंक में तो उसमें 2% बढ़ा दीजिए, 2%, मान लीजिए सेविंग बैंक में आप 4% पे कर रहे हैं तो 4+2=6, तो उसमें 6% के हिसाब से आप अपने जो कस्टमर का जो भी अमाउंट इन्वॉल्व होगा बिल में, जिसकी आपने कलेक्शन में देरी की है और उससे उसको अमाउंट देरी से मिला है, तो उस चक्कर में जो 2% आपका जो सेविंग बैंक का रेट है उसमें 2% बढ़ाइए, अगर मान लीजिए 4 है तो 4+2=6%, तो 6% के हिसाब से आपको पे करना होगा। द डिले पीरियड शुड बी रेकॉर्ड आफ्टर मेकिंग अलाउंसेस फॉर नॉर्मल ट्रांजिट, तो नॉर्मल ट्रांजिट तो रहता ही है, उसके अलावा नॉर्मल ट्रांजिट जनरली कितने का होगा, 2 डेज फॉर ईच, बिल को डिस्पैच करना है 2 दिन मिलेगा, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल टू ड्रॉई, ड्रॉई को प्रेजेंट करना है 2 दिन मिलेगा, रिमिटेंस ऑफ प्रोसीड टू लार्जेस्ट बैंक, लार्जेस्ट बैंक के अकाउंट में रिमिटेंस आनी उसमें 2 दिन मिलेगा, एंड क्रेडिट द प्रोसीड्स टू ड्रॉअर अकाउंट, ड्रॉअर के अकाउंट में 2 दिन, तो इसके अलावा अगर टाइम होगा तो उसको हम डिले माना जाएगा। तो पहले आप बिल्स को डिस्पैच कर रहे हैं और फिर आप ड्रॉई जो बैंक है जो कि बिल्स को
पेमेंट लेगा, उसको आप प्रेजेंट करेंगे, रिमिटेंस द प्रोसीड, तो जो लॉजर बैंक है उसको पैसा भेजेगा, और फिर जो बैंक है अपने कस्टमर को भेजेगा, तो सबके लिए दो दो दिन मिलेगा। उससे अगर देरी होती है तो उसको डिले माना जाएगा, और फिर जो है इंटरेस्ट के तौर पर पेनल्टी होगी। अगर मान लीजिए डिले ड्रॉई बैंक की तरफ से हो रही है, ये जो लॉजर बैंक है उसने तो दे दिया, तो उस केस में लॉजर बैंक जो है वो जितना इंटरेस्ट कस्टमर को पे कर रहा है उसको वहां से रिकवर भी कर सकता है। चलिए ये आपका यहाँ पे हो गया। चलिए पार्ट वन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कैश एंड इट्स कस्टडी से हम लोग पार्ट टू में डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। चलिए इसको हम लोग रिवाइज करके ये वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। कहाँ से हमने शुरू किया था? यहाँ से CTS, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम। इसमें क्या है कि फिजिकल इमेज के बदले जो है, फिजिकल कॉपी के बदले चेक्स की जो है इमेजेस को सेंड किया जाता है प्रेजेंटिंग बैंक से पेइंग बैंक में, तो वही आपका CTS है। और इसके फायदे क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज को भेजा जाता है, और इसको सिर्फ बैंक या क्लियरिंग हाउस ही जो है स्कैनिंग इमेज को भेज सकता है, ड्रॉअर खुद से स्कैनिंग इमेज नहीं भेज सकता। और तो ये जो फिजिकल चेक है उसी का सब्स्टिट्यूट है, जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है उसको फिजिकल चेक के बराबर माना जाएगा, और पेइंग बैंक उसको देख के जो पेमेंट करता है, और प्रॉपर एक क्लियरिंग साइकिल होती है, उस क्लियरिंग साइकिल से इसका रियलाइजेशन किया जाएगा। और जो भी पेपर चेक होगा यानी फिजिकल चेक होगा, वो क्लियरिंग हाउस या जो बैंक है वो अपनी कस्टडी में रखेगा, उसको पेइंग बैंक को फिजिकल चेक भेजने का जरूरत नहीं है। ये सब इसमें हो गया। सीटीएस के बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि फिजिकल मूवमेंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में नहीं हो रही, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही। तो कई बार रास्ते में चेक्स यहाँ से मूव होते थे, उसके खोने का भी खतरा था, तो उससे सिक्योरिटी इश्यूज भी थे, तो वो भी एक फायदा इसमें हो गया। टाइम भी काफ़ी रिड्यूस हो गया, और चेक्स के खोने का जो रिस्क है तो वो रिस्क भी जो है कम हो गया। अप्रोचेस टू CTS, तो CTS किस तरह से होता है? तो तीन ग्रिड में काम करता है ऑल ओवर कंट्री, नॉर्थ वेस्ट और साउथ, अपने अपने एरियाज में बटा हुआ होता है। तो जिस जिसके जैसे दिल्ली मुंबई चेन्नई, इनके एरिया में जो जो ब्रांचेस आएंगे तो वो इन ग्रिड के थ्रू जो है क्लियरिंग हाउस, इन ये उनका क्लियरिंग हाउस के तौर पर काम करेगा, और इन ग्रिड के थ्रू जो है सेटलमेंट की जाएगी। तीन तरह के पार्टिसिपेंट हो सकते हैं क्लियरिंग हाउस के। एक तो मेंबर बैंक जो कि डायरेक्टली क्लियरिंग हाउस के मेंबर है, कुछ सब मेंबर बैंक जो डायरेक्टली इसके मेंबर नहीं है लेकिन वो इस मेंबर बैंक के थ्रू जो है पार्टिसिपेट करेंगे क्लियरिंग हाउस। और एक तीसरा आता है इनडायरेक्ट मेंबर, जो कि मेंबर के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन उनका अलग से जो है सेटलमेंट अकाउंट रहेगा। तीन तरह की कैटेगरी यहाँ पे आपकी हो गई है। बैंक कैसे भेजेगा क्लियरिंग हाउस को डिटेल्स? तो एक क्लियरिंग फाइल्स होगी, मतलब जितनी भी आपकी चेक्स हैं उनको स्कैन किया होगा, तो वो क्लियरिंग फाइल जो है प्रेजेंटिंग बैंक किसको भेजेगा? क्लियरिंग हाउस को भेजेगा। ठीक है, प्रेजेंटिंग बैंक भेजेगा आपके क्लियरिंग हाउस को, और क्लियरिंग हाउस के पास वो जो पूरा आपका स्कैंड इमेज का पूरा फाइल है वो सेंड करेगा, और फिर क्लियरिंग हाउस जो है पेइंग बैंक को भेजेगा जो कि पेमेंट करने वाला है। तो प्रेजेंटिंग से क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस से पेमेंट, इस तरह से जो है पेइंग बैंक में जो है जाएगा, और फिर वो जो है पेमेंट करेगा। ये प्रोसेस फ्लो किस तरह से काम करेगा? तो पहला वही प्रेजेंटिंग बैंक हो गया, ये यहाँ से जो फाइल्स को इमेज को अपलोड करेगा और क्लियरिंग हाउस को भेजेगा, फिर क्लियरिंग हाउस उसको चेक करेगा, पेइंग को भेजेगा। पेइंग को सब ठीक लगा तो ठीक है, वरना कुछ उसको लगता है कि इमेज क्लियर नहीं है तो उसको रिटर्न भी कर देगा। ठीक है, फिर रिटर्न के लिए वो क्लियरिंग हाउस को भेजेगा, क्लियरिंग हाउस प्रेजेंटिंग हाउस को रिटर्न करेगा। तो ये सारे स्टेजेस यहाँ पे बताए, प्रेजेंटिंग बैंक के पास जाएगा, फिर वो क्लियरिंग को भेजेगा, फिर क्लियरिंग वाला पेइंग बैंक को भेजेगा, सब ओके है तो ठीक है, वरना कुछ चीज़ों को रिटर्न भी करेगा। सेटलमेंट, सेटलमेंट में क्या होगा कि कितनी सेटलमेंट साइकिल किसको बोला जाएगा, कि प्रेजेंटिंग से क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस से पेइंग, पेइंग ने रिटर्न भी किया जो है कुछ चेक्स को, और फिर रिटर्न से पेइंग प्रेजेंटिंग बैंक के पास गया, तो उसके साथ आपका जो है सेटलमेंट पूरा हो जाएगा। और सिक्योरिटी फीचर्स, मतलब चेक्स को कहीं रास्ते में चेंज ना कर दिया जाए, उसके सेफ्टी और सिक्योरिटीज के लिए एंड टू एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI बोलते हैं, तो वो वाला इंप्लीमेंट किया गया CTS में। अगर इंडोर्समेंट की जा रही है तो अगर पहले से कुछ है तो मतलब ओवरलैपिंग उसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर कट सब चीज़ें रहनी चाहिए। इसमें बोला है कि CTS में जो है बैंक और कस्टमर को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो CTS के आने से जो है कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज कस्टमर और बैंक को की है। पहली चीज़, कस्टमर को सिर्फ CTS 2010 वाली चेकलिस्ट से इस्तेमाल करनी चाहिए, इमेज बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, और अमाउंट जो अगर आप वर्ड्स में लिख रहे हैं तो रुपीज़ से स्टार्ट होना चाहिए और ऑनली पे एंड होना चाहिए, जैसे ₹2000 ऑनली। अगर आप फिगर्स में लिख रहे हैं तो लास्ट में एंडिंग इससे होना चाहिए, आप करते हैं ना 2000 लास्ट में ऐसे लगाते हैं, ये वाला सही, तो यहाँ पे बोला गया। आपको सिग्नेचर प्रॉपर क्लियरली करना है, और कहीं पर भी नहीं, जो साइन जो जगह है सिग्नेचर के वहीं आपको साइन करना है, कोई भी आपको अल्टरेशन मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, कुछ अमेंडमेंट नहीं करने, कटिंग ये सब नहीं करनी। अगर ऐसा है तो फिर आप नया फ्रेश चेकलिप इस्तेमाल कीजिए। और ओवरफ्लो इस तरह से कुछ नहीं लिखना, क्योंकि नीचे एक MICR बैंड होता है तो उसकी जरूरत पड़ती है, उसमें सारी MICR इन्फॉर्मेशन रहती है, जो भी आपका स्कैन जा रहा है तो उसके ऊपर कुछ भी आपको नहीं लिखना है। प्रेजेंटिंग बैंक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज? प्रेजेंटिंग बैंक कौन सा? जो बैंक चेक्स को भेज रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि चेक CTS होना चाहिए, प्रॉपर जो है ड्यू डिलीजेंस कस्टमर को चेक करना कि कोई फ्रॉड है या नहीं है, या जो चेक स्लीव है वो चेक लो फिजिकल उसको फील करना कि ये रियल चेक है या कुछ नकली है, फेक है, तो वो चेक करना इसका प्रेजेंटिंग बैंक का जो है काम रहता है।
और इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ ये भी चेक करना है, क्योंकि अगर चीज़ें पूरी तरह से क्लियर कट नहीं होगी या अनक्लियर होगी तो रिटर्न हो जाएगा, तो प्रेजेंटिंग मैं को एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। और कुछ भी मटेरियल अल्टरेशन इस तरह का कुछ डिटेक्शंस जो है उसको चेक करना है, और कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन चेक करना ताकि कोई फ्रॉड ये सब एक्टिविटी ना हो। मतलब मेन दो चीज़ों का बैंक और कस्टमर को ध्यान रखना, पहली चीज़ ये कि कुछ भी अल्टरेशन मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, दूसरा कि जो है CTS 2010 वाले चेक्स को ही इस्तेमाल होना चाहिए। फिर ये चेक इमेजेस की बात की तो 3 इमेजेस ली जाती है, चेक का एक फ्रंट साइड है बैक साइड है, तो फ्रंट साइज की ग्रे स्केल में और फ्रंट साइज की बैक ब्लैक और वाइट स्केल में और बैक साइड की ब्लैक और वाइट, तो फ्रंट और बैक का दोनों ही है ब्लैक और फ्रंट का एक एक्स्ट्रा जो कि ग्रे स्केल है, तो 3 इस तरह से जो एक चेक की 3 इमेज लेके भेजी जाती है। CTS पॉजिटिव पे सिस्टम, तो पॉजिटिव पे सिस्टम में क्या होगा कि जो कस्टमर है जो भी उसने चेक्स भेजी है बैंक को वही डिटेल्स वो उस बैंक को जिसको हम पेई बैंक बोल रहे हैं या बोल लीजिए जिस बैंक के पास आपको प्रेजेंटिंग बैंक भेजेगा चेक्स, तो उस बैंक को आपको मेल के थ्रू मोबाइल ऐप SMS या ATM के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कि ये चेक्स है ये बेनिफिशियरी है, वो फिर बाद में डिटेल्स को मैच करेगा जो चेक CTS के थ्रू आया होगा, अगर डिटेल्स मैच करेगा तो ओके वरना वो रिटर्न भी कर सकता है। और ये CTS सॉरी पॉजिटिव पे सिस्टम CTS में कब से मतलब एलिजिबल है, 50,000 और उससे ऊपर के जो चेक है उनके लिए, और 5 लाख और उससे ऊपर के लिए तो मैंडेटरी है। RBI की गाइडलाइंस क्या है चेक ये ट्रांजेक्शन पॉलिसी को लेके, तो बोले कि अगर लोकल या आउटस्टेशन चेक्स है तो उसको इमीडिएट क्रेडिट करना है अगर आपके पास चेक आया। टाइम फ्रेम दिया गया कि लोकल या आउटस्टेशन को कितना टाइम आप कलेक्ट करेंगे, अगर आप डिले कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, तो ये सब चीज़ को लेकर यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है। तो अगर बैंक डिले कर रहा है और उसकी वजह से जो कस्टमर को प्रॉपर कंपनसेशन इसमें देने की बात की गई है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ अकाउंट पे चेक, तो अगर आपने ऐसा चेक कलेक्ट किया जो कि अकाउंट पे ही, तो इसमें पेमेंट अकाउंट में ही होनी चाहिए, जो पे ही है उसी के अकाउंट में इसमें होनी चाहिए। और अगर आप सब मेंबर के थ्रू जो है सब मेंबर मेंबर के थ्रू पेमेंट के लिए भेज रहे हो और वो अकाउंट पे ही है, तो उसको इस इसको इंश्योर करना वो भी पे ही के अकाउंट में जो पेमेंट जानी चाहिए। कॉर्पोरेट सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए 50,000 तक के जो चेक्स हैं नॉट एक्सेडिंग 50,000 वो चाहे तो क्लियरिंग के थ्रू अपने चेक्स भेज सकते हैं, और इसमें भी जो पेमेंट वही जो पे का नाम मेंशन है उसी के अकाउंट में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके ड्राफ्ट पे ऑर्डर बैंकर्स चेक पर भी लागू होती है, क्योंकि ये पॉइंट्स अपने चेक्स के लिए पड़े, तो अगर किसी का DD है बैंकर्स चेक है ड्राफ्ट है तो उस केस में भी सेम यही वाला रूल्स लागू होंगे। टाइमिंग क्या है, तो पहले 6 महीने का टाइम था हम इसको हटा के 3 महीना कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012। चेक मान लीजिए लॉस्ट इन ट्रांजिट रास्ते में कहीं चेक हो गया तो क्या होगा, तो जो पेइंग बैंक है या जो क्लियरिंग हाउस है या फिर जो प्रेजेंटिंग बैंक है जहाँ पे भी खोया उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनेगा। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रेजेंटिंग बैंक है कि कस्टमर को अगर कोई लॉस है कोई इशू है तो वो उसको रिमबर्स करे, और बाद में मान लीजिए पेइंग बैंक में खोया तो प्रेजेंटिंग बैंक पेइंग बैंक से जो रिमबर्समेंट भी ले सकता है। बिल्स फॉर कलेक्शन, बैंकों को चाहिए कि बैंक क्या करते हैं कि रियलाइजेशन होना किसी दूसरी ब्रांच में और कलेक्ट किसी एक बैंक ने किए तो उसको टाइम पे जो उसको भेजना है, अगर वो देरी करता तो उसके लिए भी उसको इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी। इंटरेस्ट कितना है, जो भी सेविंग बैंक में इंटरेस्ट है उसमें 2% बढ़ा दीजिए तो उतना इंटरेस्ट पेनल्टी के तौर पर देना पड़ेगा। इसमें टाइमिंग, अगर इस टाइम से इसको ट्रांजिट पीरियड बोलते हैं, अगर इससे ज़्यादा इसको नॉर्मल माना जाएगा, इससे ज़्यादा तभी आपको डिले माना जाएगा। तो 2 2 दिन हर चीज़ के लिए दिया, बिल्कुल डिस्पैच के लिए 2 दिन, ड्रॉइंग को प्रेजेंट करने के लिए 2 दिन, और फिर वो रिमिटेंस भेजेगा आपके अकाउंट में। लॉन्चर बैंक जो प्रेजेंटिंग बैंक है उसकी बात कर रही हूँ, प्रेजेंटिंग बैंक को पेमेंट भेजेगा 2 दिन और फिर वो ड्रॉइंग के अकाउंट में क्रेडिट करेगा 2 दिन। इससे ज़्यादा देरी होता है तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट रेट है आपका सेविंग बैंक का 2% उसमें जोड़ के आपको पेनल्टी लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। चलिए पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ, पार्ट 2 से हम ये करेंगे कैश एंड इट्स कस्टडी, इसे थोड़ा सा देख लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।